Hello and welcome back again. My name is Karan and welcome back to my page again. So guys, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है और होपफुली आप सबने अभी तक देख लिया होगा. पहले ये रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला था, लेकिन इस बार रिजल्ट सब बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो ये रिजल्ट भी 9 तारीख को शाम को रिलीज हो चुका था. तो अब देखिए गाइज, जिन जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो तो बहुत अच्छा है ना. वो आप कॉलेजेस से फटाफट एडमिशन ले लीजिए जहां भी उनको लेना है, क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन कुछ अब बंद होने वाले हैं, है ना, कुछ टाइम में. अब दूसरी चीज अगर देखें, जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है. सबसे पहली चीज तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आधा साल तो वैसे ही निकल चुका है, 3-4 महीने बढ़िया पढ़ाई कीजिए और अप्रैल मार्च या अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, उस समय आप जाके एग्जाम दीजिए. तो होपफुली इस साल हम लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले, पहली चीज. दूसरा, तैयारियां कैसे करें. जिस भी सब्जेक्ट में अपनी कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट का एक ट्यूशन एटलीस्ट लगवा लें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से तो नहीं होने वाला है. सेल्फ स्टडी से होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता है ना, तो वो नहीं होने वाला है. कोचिंग लगवा लो और पढ़ना शुरू कर दो, दूसरी चीज. तीसरी चीज, पेरेंट्स से भी ये चाहूंगा कि पेरेंट्स भी बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करें. देखिए, रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ चुका है और जो होना था वो हो चुका है. तो अब बच्चे को क्या कीजिए, अब उसको सपोर्ट कीजिए, उसको थोड़ा सा एक सही टीचर्स ट्यूशन का लगवा दीजिए, तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर ले. और ट्यूशन भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ 10-15-50 साल बच्चे ऑलरेडी हों, कोई अच्छा ट्यूटर अगर पर्सनल ट्यूशन दे दे तो ये और अच्छा हो जाएगा. और मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पर्सनल ट्यूशन ट्यूटर अगर मिल जाता है तो वो आसानी से वो बच्चा सो क्वालिफाई कर लेगा. अभी टाइम है हमारे पास, है ना. अब इसके अलावा बिल्कुल परेशान नहीं होना है. एक चीज मैं ये और कहना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये उनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब वो सोचते हैं कि अब हमको परसेंटेज बढ़ानी है और अब हम सारे सब्जेक्ट का पेपर एग्जाम वापिस देंगे. देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना, कि परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो इस बार इसमें कंपार्टमेंट है, अगली बार दूसरे पे कंपार्टमेंट आ जाए. ठीक है, पहली चीज एक सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक है स्टडीज में, तो ये नहीं कि हम एक ही जगह 5-5 सब्जेक्ट का एग्जाम देने लग जाए. तो एक सब्जेक्ट जो आया है उसका, इसके लिए तैयारी करो, उसका एग्जाम दो और उसको क्वालिफाई करने की सोचो. ये नहीं कि अब सोचें कि बहुत सारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि चलो यार एक साल तो रिपीट करना ही है, तो क्यों ना बच्चों को बोला जाए कि सारे के सारे पेपर वापस दिए जाए. तो जनरली केसेस में क्या होता है कि बच्चा उसमें पास हो जाता है और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में फिर रह जाता है. तो ऐसा ना करें, पेरेंट्स भी ऐसा ना सोचे मेरे हिसाब से. अगर हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है और किसी पर्टिकुलर कारण से उसकी वो रैंक या उसने मार्क्स नहीं आ पाए, देन ओनली ही कैन अचीव इन रैंक. अगर आप पूरे साल फिट थे, सेफ थे, बहुत मजे में थे, तो बिल्कुल एक सब्जेक्ट का एग्जाम दो, अगले साल क्वालिफाई करो और अगले साल एक कॉलेज ले लो. परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है. और एक चीज और स्टैटिस्टिकली बताना के लिए चाह रहा था कि लगभग 7% बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं कंपार्टमेंट में. तो मेरे को लगता है कि इस बार का कंपार्टमेंट बार स्ट्रिक्टनेस बढ़ती गई है और 40% स्टूडेंट्स लगभग फेल हैं. तो फेल मतलब उनको वापस नेक्स्ट ईयर अपीयर होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. तो ये सारी चीजें हैं. इसके अलावा एक कुछ फॉर्म्स भी आ गए हैं आई, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कुछ टाइम अगले वीडियो में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, है ना. उसे एक आधा वीडियो देख लो, थोड़ा जोश आ जाएगा.